हेलो दोस्तों, मैं हूं भास्कर और आपका मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है रविदास जयंती और दो दिन पहले आए थे मोदी जी हमारे वाराणसी शहर में रविदास मंदिर पर मत्था टेकने के लिए। तो मत्था टेक कर एक दिन पहले ही रविदास जयंती से वो चले गए। तो वह रविदास मंदिर में आए थे, एक उन्होंने रविदास जी का मूर्ति बनवाया लगभग 40 फुट ऊंची। ऐसा माना जाता है कि वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंची रविदास जी की मूर्ति है। तो दोस्तों, ये रोड सीधे रविदास मंदिर होते हुए बाईपास पर चला जाता है और ये रोड आ रहा है आपका लंका से। तो ये लंका से आ रहा है, ट्रामा सेंटर के बगल से रास्ता है, वहाँ से आ रहा है, सीधे लंका से आ रहा है और ये सीधे होते हुए रविदास मंदिर होते हुए बाईपास पर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रविदास मंदिर के लिए कितना भीड़ है, रविदास जी के दर्शन करने के लिए लोगों का कितना भीड़ है और सिक्योरिटी भी टाइट है, सिक्योरिटी भी लगी हुई है और उनके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो शेर गोवर्धन में ही उनकी जन्म स्थली है, इसीलिए यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया है और उनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से ज़्यादा करके लोग आते हैं। तो सिक्योरिटी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइट है और अगल बगल रास्ता पर ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है, छोटी बड़ी चीज़ें हर चीज़ें बिक रही हैं रास्ते पर। तो रविदास जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ है उनके मंदिर पर और लोग दूर दूर से आए हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो सामने उनका मंदिर आप लोग देख सकते हैं, रविदास जी का मंदिर है, तो काफ़ी सुंदर ये मंदिर है और ये बहुत ही फेमस मंदिर है रविदास जी का। तो इस मंदिर में रविदास जयंती पर काफ़ी भीड़ रहता है और दिन तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ नहीं रहता है, भीड़ एकदम कम रहती है, लेकिन रविदास जयंती के दिन तो इस मंदिर पर काफ़ी भीड़ रहता है और अगल बगल मेला की तरह लगा रहता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रविदास जी गंगा माता के काफ़ी बड़े भक्त थे। तो रविदास जी ऐसा कहते थे कि अगर मन है चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप का मन अगर पवित्र है तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास ही हैं अगर आप अच्छे मन से, सच्चे मन से अगर भगवान को याद करो तो। ऐसा उनका मानना था, तो काफ़ी अच्छी सोच वो रखते थे। तो गुरु रविदास जी तो एक छोटे कास्ट के थे, लोग ऐसा कहते हैं कि वो छोटे कास्ट के थे, लेकिन जिसकी महानता इतनी हो और इतने अच्छे विचार हों तो वो अपने विचार से महान बनता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।